हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। तो बिहार में काबा, जी हां, आज नतीजों का दिन है। ईवीएम में काबा, ये जानने का दिन है। वही दिखाने के लिए खास इंतजाम एबीपी न्यूज आपके अपने सबसे फेवरेट न्यूज चैनल ने किए हुए हैं। और आज इस खास स्टूडियो में जो हमने स्पेशली आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि हम आपको रखते हैं आगे वो दिखाने के लिए, तमाम तैयारियों को आपको रूबरू कराएंगे कुछ ही मिनटों में। बहुत बड़ा पैनल, बहुत ही विश्वसनीय पैनल, जो बिहार की जड़ों तक चीजों को जानता है, वो हमारे साथ होगा। राजनीतिक एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, राजनेता हमारे साथ होंगे, और दिन भर बड़े बड़े एंकर्स भी आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो आज दिन भर आपको एबीपी न्यूज को नहीं छोड़ना है। बगैर ब्रेक के लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। फिलहाल आपको ले चलता हूं अपनी सहयोगी रुमाना के पास, जो आपको दिखाएंगी कि न्यूज रूम में किस खास तैयारियों के साथ आज आप ये नतीजे देखने वाले हैं। शुक्रिया सुमित। तो कुल मिलाकर बिना वक्त गवाए जरा एक नजारा ले लीजिए हमारे न्यूज रूम का। हर बार की तरह हमारी तैयारी पूरी है, और जरा वक्त देख लीजिए आप, दो घंटे से भी कम का वक्त बाकी। 119 मिनट एक सेकेंड, और लीजिए अब 118 मिनट पर बात आ गई है। ये हमारी ब्रेकिंग न्यूज बॉल है। यहाँ जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, नतीजों से जुड़ी जो बड़ी खबर आएगी, ब्रेकिंग न्यूज आएगी, वो इसी बड़ी एलईडी बॉल पर हम आपको दिखाएंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, न्यूज रूम पूरा सजा हुआ है, पूरा तैयार है, पूरा नजारा आपको देखना चाहिए। ये दूसरी बॉल देख लीजिए हमारी, यहाँ आपको नजर आएगा कौन मंत्री है, कौन नेता का बेटा है, कौन नेता की बेटी है, कौन बाहुबली। अरे भाई, बिहार का चुनाव है तो बाहुबलियों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें आप पहचान पा रहे होंगे तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं, तेज प्रताप यादव को आप देख रहे हैं, जीतन राम मांझी, नंद किशोर यादव, जय कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह। तो बिहार का हरेक वो वीआईपी जिसके बारे में आप जानने को उत्सुक होंगे कि वो जीत रहा है, हार रहा है, वो आगे है, वो पीछे है, हर जानकारी चेहरों के साथ अपनी इस वॉल से हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए जरा और घुमाती हूं मैं आपको न्यूज रूम की, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाती हूं। अब देखिए ये सबसे बड़ी वॉल, जहां इस वक्त तो आप देख रहे हैं कितना वक्त बाकी वो पहला रुझान आने में, जिससे पता चलेगा कि जनता के सामने नेताओं ने अपने वादों का पिटारा तो खूब लुटाया, लेकिन आज जनता के इरादों का पिटारा जब खुलेगा, मतलब ईवीएम जब खुलेगा, तो उसमें से क्या नंबर निकलेगा। फिलहाल इस पर एक नजर डालेंगे आप। तो यहाँ पर हम दरअसल आपको दिखाएंगे 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार की, एक एक सीट का पूरा हिसाब किताब यहाँ पर होगा, एक एक सीट का नाम यहाँ पर होगा। पूरी 243 की 243 सीटें यहाँ पर होंगी। जब शुरुआत होगी तो 2015 के नतीजों के हिसाब से उन सीटों का रंग होगा। ये देखिए, ये बदल गया, ये दीवार जरा देख लीजिए एक बार, ये वॉल आपको देखनी चाहिए। ये 2015 के नतीजों के हिसाब से कलर है इस वक्त। 2015 में देखिए, आपको पता है कि महागठबंधन में नीतीश और लालू एक साथ चुनाव मिलकर लड़ा था उन्होंने, तो ऐसे में हमने महागठबंधन को इस वक्त हरे रंग में दिखाया। अच्छा, ये जो आप केसरिया रंग में देख रहे हैं, ये एनडीए के नंबर्स आप देख रहे हैं, ये 2015 की तस्वीर आपके सामने। इसके बाद 2017 में खेल बदला था, वो खेल जो बदला था वो भी आपको दिखाएंगे। इसमें देख रहे हैं आप 38 के 38 जिले बिहार के, एक एक सीट, जैसे किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें हैं, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामर, तो एक एक सीट का पूरा हिसाब यहां पर आपके सामने होगा। गोपालगंज देख रहे हैं आप, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआ, एक एक सीट का पूरा हिसाब। सारण, एकमा, मांझी, बनियार, तरैया, मढ़ोरा, छपरा, गरखा, अमनीर, परसा, सोनपुर, एक एक सीट का पूरा हिसाब, कोई सीट आपसे चूकेगी नहीं। आप जिस विधानसभा सीट पर हैं, आपने जहां वोट डाला है, उस सीट के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको देगा। और आगे बढ़िए जरा, अब जो वॉल आप देख रहे हैं वहां बिहार के नतीजे 2015 में क्या नतीजे रहे थे, ये गणित आपके सामने है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ 80 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, और ये वो दौर था जब नीतीश और लालू साथ साथ थे। नीतीश की जेडीयू ने 71 सीटें जीती थी। दोनों पार्टियां, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो, दोनों 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी। अच्छा, बीजेपी 53, कांग्रेस 27, अन्य 12, ये 2015 के
243 सीटों के नतीजे आपके सामने हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और ये जो हमारी वॉल है वो आज के जमाने की वॉल, आज के जमाने की वॉल इसलिए क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना और सोशल मीडिया पर हल हलचल आप देख सकेंगे हमारी सोशल मीडिया वॉल पर। फिलहाल आपको बता दूं #BiharResultOnABP, जुड़िए हमारे साथ #BiharResultOnABP के साथ, हर जानकारी आपको पहुंचाएंगे हम। और साथ ही ये न्यूज यहां पर आप देख रहे हैं खास इंतजाम जो मेहमानों का, जिस तरीके से सुमित बता रहे थे कि सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय पैनल होगा, तो एक साथ हमारे साथ 15 खास मेहमान जुड़ेंगे जो पूरा सटीक और गहराई से विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे सुमित के साथ। बिल्कुल, और यहीं पे चीजें खत्म नहीं हो रही रुमाना, अभी खास बात ये भी है, आपने पूरी तैयारियां दिखा दी कि किस तरीके से आप न्यूज रूम में तमाम डेटा दिखाने वाले हैं, क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है, हर एक सीट पर क्या हो रहा है। इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो ये कि इस चुनाव की बड़ी बातें क्या है, क्योंकि तेजस्वी यादव जैसा 31 साल का लड़का चुनौती दे रहा था नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को, तो दोनों के लिए, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो नीतीश हो, उनके लिए इन चुनावों के मायने क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। वो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, आखिरी चुनाव में सत्ता बचाने की चुनौती झेल रहे हैं नीतीश कुमार, खुद कह चुके हैं उनका आखिरी चुनाव है, हालांकि बाद में उसको बहुत रफू किया गया उस आखिरी बयान को, आखिरी साल वाले 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी से मुकाबला करना है नीतीश कुमार को, और जो कि महागठबंधन के लिए एक प्लस पॉइंट है। बिहार में विकास के दावों की परीक्षा की जा रही है, इस बार नीतीश कुमार का असली टेस्ट यही है, वो अपने आप को विकास पुरुष के नाम पे बताते आ रहे थे, कितना विकास करने में कामयाब हुए हैं या नहीं कामयाब है ये पता लग जाएगा जैसे जैसे नतीजे आएंगे। तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव अहम क्यों हो जाता है, क्यों ये जनता को देखना चाहिए, लालू की गैर मौजूदगी में वो खुद को साबित कर रहे हैं, सबसे बड़ी खास बात है, बगैर पिता के, पिता का पोस्टर से तस्वीर तक हटा दिया गया था लालू यादव का, उसके बगैर ही मुकाबला कर रहे हैं। जंगल राज के आरोपों से पार्टी को निकालना है, जंगल राज के युवराज के इनको खिताब दिया गया, लेकिन तेजस्वी ने पूरे चुनाव में उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अनुभव के सामने युवा नेतृत्व की यह परीक्षा है, एक तरफ अनुभवी नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ युवा तेजस्वी यादव, देखते हैं बिहार की जनता किसको पसंद करती है, ईवीएम में किसकी किस्मत ज्यादा बुलंद होती है, वो इन इन बड़ी बातों से साफ हो जाएगा जब ये नतीजे निकलेंगे। आकाशवाणी बिहार चुनाव के नतीजों की बड़ी सुबह है और हमारे साथ राजनीतिक एक्सपर्ट और काउंटिंग एक्सपर्ट का सबसे बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले आ रहे हैं अरविंद मोहन, 40 साल की पत्रकारिता का अनुभव और बिहार की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले जाने माने एक्सपर्ट अरविंद मोहन बताएंगे कि नतीजे में जीत और हार का क्या फैक्टर रहा। अरविंद जी, स्वागत है आपका, हमेशा की तरह आपसे बेहतर बिहार को कोई नहीं जानता है, और इधर आइए कैमरे के सामने, कौन जीत रहा है? जीत रहा है एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, की तरह नहीं नहीं एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो सही डायरेक्शन बता रहे हैं, लेकिन जीत हर दफे हम देखते हैं कि एग्जिट पोल खाली इशारा करता है, चीजें उससे ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। प्रदीप सिंह, मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह, 36 साल की पत्रकारिता का अनुभव समेटे प्रदीप सिंह आज बताएंगे कि बीजेपी बिहार में वापसी कर पाएगी या नहीं। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वापसी बीजेपी कर पाएगी या नहीं? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ भारी नाराजगी है और इसके अलावा बदलाव की बयार है, सवाल एक ही है कि क्या महिला मतदाता इस बदलाव की बयार को रोक पाएंगी, यही उम्मीद है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए। लेकिन तो बीजेपी महिलाओं के भरोसे, आइए सर स्वागत है आपका। संगीता तिवारी, एबीपी न्यूज की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता तिवारी बताएंगी कि सबसे बड़े रीजन नॉर्थ बिहार की एक एक सीट का क्या रुझान है। संगीता जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग, कौन जीत रहा है? अनुमान क्यों लगाना, बस थोड़ा सा इंतजार करना है नतीजे, अभी तो लगा लीजिए आखिरी दो घंटे, बस दो घंटे हैं, नंबर तो दीजिए। एग्जिट पोल सही, जो एग्जिट पोल है और बिहार से जो जमीनी हकीकत जो सामने आ रही है उसमें महागठबंधन को थोड़ी सी बढ़त है, महागठबंधन को थोड़ी सी बढ़त है। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज के कार्यकारी संपादक विजय विद्रोही बताएंगे इस बार सीमांचल रीजन की 24 सीटों पर जीत का फैक्टर क्या रहा। विजय जी बहुत बहुत स्वागत आपका, फैक्टर सबसे बड़ा सीमांचल की 24 सीटों पर क्या रहने वाला है? देखिए सीमांचल पर तो नजर है मेरी, तो सबसे बड़ी नजर है कि क्या देश का बेरोजगार इतनी ताकत रखता है कि किसी राज्य को सत्ता से हटा दे, अगर वो वाकई में ताकत रखता है
और ऐसा होता दिखता है तो इस देश की राजनीति, चुनावी राजनीति बिल्कुल बदल जाने वाली है। दशा इंतजार इंतजार रहेगा सर, इंतजार रहेगा। आदर्श झा, मिथिलांचल एक्सपर्ट आदर्श झा बताएंगे इस रीजन की 50 सीटों के नतीजे में कोई उलटफेर होगा या नहीं। आदर्श, मिथिलांचल की सीटें कौन सी? देखिए, मिथिलांचल की 50 सीटें हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खास करके अगर पिछली बार का डेटा देखें तो, वो चाहे आरजेडी की बात करें या फिर हम बात करें कांग्रेस की और अब नजर बीजेपी की भी, क्योंकि मिथिलांचल को लेकर बहुत सारी घोषणाएं की गई थी। उसका नतीजा क्या होगा, कौन जीत रहा है कुछ देर में पता चल जाएगा, लेकिन देखिए मिथिलांचल की बातें बहुत सारी है, मांगे बहुत सारी है, सब सेफ खेल रहे। रितेश नंदन, एबीपी न्यूज के रिसर्च हेड रितेश नंदन बताएंगे आंध्र प्रदेश रीजन की 27 सीटों पर इस बार क्या होने वाला है। रितेश, आप तो खुद ही आंध्र प्रदेश से आते हैं, क्या होने वाला है इस बार 27 सीटों पर? आंध्र प्रदेश की एक विशेषता है, ये कतरनी चावल के नाम से जाना जाता है और इसकी फ्लेवर काफी मशहूर, खुशबूदार है। तो इस किचन, आरजेडी अलायंस के किचन और बीजेपी के किचन से किसका वो एरोमा निकलेगा ये रिजल्ट बताएगा, लेकिन हमारे सर्वे के मुताबिक कह रहा है। चलिए हम लोग अपनी नाक तेज करके बैठते हैं, देखते हैं। प्रतिमा मिश्रा, राजधानी पटना समेत पूरे मगध भोजपुर रीजन की 69 सीटों पर क्या होने वाला है ये बताने के लिए आ रही है प्रतिमा मिश्रा। वेलकम प्रतिमा, गुड मॉर्निंग। 69 सीट्स मगध भोजपुर, आप तो वहाँ काफी दिन रह के आई हैं, क्या मुझे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये देखना है कि चूंकि 11 जिले हैं इस रीजन के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत इसी रीजन से की है, तो क्या होता है वो देखना इंटरेस्टिंग। नंबर बताइए ना। इट्स डिफिकल्ट टू से। बद्री नारायण, जाति की बिहार के नतीजों में क्या भूमिका रही ये समझाने आ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक बद्री नारायण। जाति के लिहाज से कोई नई लकीर खींचने वाला है क्या बिहार इस बार बद्री जी? इस बार ये देखना है कि जिधर बड़ी जातियां गई हैं, खास करके महादलितों में और अति पिछड़ों में, क्या उधर ही छोटी जातियां गई हैं, कि छोटी जातियों ने कोई अलग रास्ता अपनाया है, और ये भी देखना है कि किस तरह से जातियों का इधर से उधर जाना आना हुआ है इस चुनाव में। बिल्कुल, चुनावी राजनीति में जातियों की क्या भूमिका, इस पर नजर रहेगी। अब है दुबे, राजनीति के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली संस्था CSTS के प्रोफेसर अभय दुबे बताएंगे कि तेजस्वी पहली बार सरकार बना पाएंगे या नहीं। वेलकम अभय सर, गुड मॉर्निंग। रात को आराम से नींद आई? चिंता तो नहीं थी कोई? नहीं, मुझे क्या चिंता, नेताओं को होगी। देखिए, तेजस्वी के लिए एक ऐसा मौका है, ये मौका अगर वो चूक गए तो फिर बहुत दिनों बाद मौका आएगा ये, तो अगर उन्होंने एक जो अंतर था उनके और एनडीए के बीच में उसको खत्म किया है, मैं मानता हूं ये कहानी महागठबंधन के पीछे से आगे आने की कहानी है। बैठिए। राखी बख्शी, 21 साल का अनुभव समेटे नेशनल एक्सपर्ट राखी बख्शी आ रही हैं। राखी बताएंगी बीजेपी के लिए आज के नतीजे कितना असर डालेंगे। नमस्ते राखी जी, बीजेपी के लिए आज के बिहार नतीजों के क्या मायने रहने वाले हैं? बहुत कुछ स्टेक पर है, लेकिन 2-3 बिंदु यहाँ पर, महिलाओं की बात हो ही रही है, युवाओं को देखना पड़ेगा कि उनका जोश वोट में और अब रिजल्ट में कितना तब्दील होता है, रोजगार का बड़ा मसला है। बिल्कुल नजर रहेगी, आइए प्लीज बैठिए। ऋषि मिश्रा, 20 साल से देश में चुनाव पर नजर रखने वाले जाने माने चुनाव विशेषज्ञ ऋषि मिश्रा बताएंगे तेजस्वी फैक्टर कितना कामयाब रहा। ऋषि जी आइए, गुड मॉर्निंग। तेजस्वी फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है इस चुनाव में? मेरा ये कहना है कि रोजगार का नारा जो तेजस्वी यादव ने दिया है, उससे कहीं न कहीं जो हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश सरकार किनारे लग होती नजर आ रही है, तो रोजगार का जादू चल गया। जी बिल्कुल, कनेक्ट हुआ युवाओं से। एबीपी न्यूज के एंकर दिबांग बताएंगे बिहार के नतीजों का देश की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दिबांग सर, बिहार के नतीजे और देश की राजनीति पर असर? देखिए, ये देखना होगा कि जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद आप देख लीजिए जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिस तरह की हार हुई है बीजेपी की, क्या असर होगा, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में बड़े चुनाव होने वाले हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत रोचक होगा, मनोबल पर असर डालने वाला नतीजा रहने वाला। राजकिशोर, एबीपी न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजकिशोर बताएंगे इस रीजन के नतीजों में किस फैक्टर ने काम किया। गुड मॉर्निंग राज भाई, ये बताइए कौन जीत रहा है? सीधा सीधा
सीधा सीधा मुझे लगता है कि हर रीजन अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा और पिछली बार एग्जिट पोल जिस तरीके से उल्टे पड़ चुके हैं इसलिए किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाना मुझे लगता है बहुत उचित नहीं होगा। कुछ नहीं कह के भी आपने सब कुछ कह दिया, एग्जिट पोल पर भरोसा मत करिए। चंद्रचूर सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक चंद्रचूर सिंह बताएंगे लगातार चौथी बार नीतीश फैक्टर काम कर रहा है या नहीं। एग्जिट पोल्स तो चंद्रचूर सर कह रहे हैं कि भाई नीतीश के लिए बड़ा गुस्सा है, तो इसकी वजह आपको क्या लग रही? युवाओं की बहार है बिहार में, अब देखना ये पड़ेगा कि युवा किस तरीके से कहां तक मतदान करते हैं और किस दल को वो अपना मानते हैं, तो अब पता चल जाएगा थोड़ी देर। चलिए पता चल जाएगा सर, प्लीज आइए, स्वागत है आपका। रणवीर सिंह हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हैं और जेडीयू पर पैनी नजर रखते हैं। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर रणवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू के लिए चुनाव क्या वाकई में मुश्किलों भरा है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मैदान में हैं तो हर चीज मुश्किल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार बनेगी इसमें कोई दुमत नहीं, थोड़ी देर हम लोग इंतजार करें थोड़ी। चलिए आइए बैठिए। और अब आ रहे हैं कार्टूनिस्ट इरफान जो बिहार के चुनाव नतीजों पर कार्टून के जरिए अपनी खास टिप्पणी करेंगे। इरफान साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, आपके लिए तो मुझे आइए प्लीज आइए, मुझे लगता है कि कुछ चुटीला अंदाज आपने तैयार किया है इस बार के लिए। हाँ देखिए अभी जिस तरह के माहौल दिख रहा है कि लगभग 100% लोगों ने कहा है कि नीतीश सरकार जा रही है जी। तो कौन सा ऐसा चमत्कार है जो उनको बचा पाएगा, वो देखने वाली बात हो। सर कलम संभाल लीजिए अब आप अपना। और अब एबीपी न्यूज रूम में स्वागत कीजिए दो खास मेहमानों का। सबसे पहले बिहार के सभी 38 जिलों में सुरीले अंदाज में गायकी करके लौटे बिग बॉस के फाइनलिस्ट और गायक दीपक ठाकुर। दीपक बाबू गुड मॉर्निंग, तो बिहार में कावा? देखिए भैया चारों तरफ तो भाई उथल पुथल चल रहा है, तो सुबह सुबह कुछ उथल पुथल हो जाए जी। बिहार में अभी इलेक्शन का दौर खत्म हो गया, सब कुछ एकदम, और सब लोग अपना अपना हुंकार भर रहे हैं हम सरकार बना लेंगे, तो उसी पे कहना है के कल सरकार बनी बा फैसला के ई घड़ी ई समैया बुझाला बड़ी भारी हो। 20 में नीतीश गाड़ी है झंडा की बात है, युवा तेजस्वी के बारी हो। आप भी राजनेता हो गए और छोटा लालू के नाम से मशहूर कृष्ण यादव से दिलचस्प अंदाज में जानेंगे कि पर्दे के पीछे लालू फैक्टर कैसे काम किया। आइए कृष्णा जी, छोटा लालू के नाम से मशहूर, जरा दिखाइए तो दर्शकों को छोटा लालू के नाम से मशहूर क्यों हैं आप? बिहार के जनता बना दिया छोटा लालू और सब बिहार के लोग और पूरे भारत के लोग को प्रणाम आदाब सलाम है। और तेजस्वी के लिए कुछ आशीर्वाद आज नतीजों का देने? बिहार की जनता दे दिया आशीर्वाद, लड़ाई है हवा में। आइए आइए छोटे लालू जी आइए। तो देखा आपने तमाम खास मेहमान यहाँ पर मंच सज चुका है रुमाना के साथ, ये पूरा बड़ा पैनल आपके साथ इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं जिसमें दीपक ठाकुर भी हैं और कन्हैया भी हैं। तमाम लोग अपनी अपनी बात कहते रहेंगे समझाते रहेंगे, लेकिन अभी रुमाना के पास बताने के लिए दिखाने के लिए कुछ और चीजें भी हैं। रुमाना बिल्कुल, मैं दरअसल दर्शकों को ये बताने वाली हूँ कि हर बार की तरह आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको प्राथमिकता देता है। आज नंबर्स का दिन है, आंकड़ों का दिन है और आंकड़े जो हैं वो काफी उलझाने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए हम बिल्कुल सरल तरीके से ये आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे। स्क्रीन समझ लीजिए क्योंकि 8 बजे जैसे ही गिनती शुरू होगी आपकी आंखें इसी स्क्रीन पर टकटकी लगाकर बंद जानी चाहिए। ऊपर की तरफ पट्टी देख रहे हैं आप, 243 सीटें सभी बिहार की विधानसभा सीटों का ये गणित हम दिखाएंगे। गठबंधन के लिहाज से नीतीश प्लस को कितनी सीट, तेजस्वी प्लस को कितनी सीट, चिराग पासवान को कितनी सीट, अन्य के खाते में कितनी सीट जा रही है। अभी हर तरफ आप 000 देख रहे हैं। अच्छा अब दोनों तरफ स्क्रीन के बाएं और दाएं ओर जो है आप जो क्षेत्र हमने 5 बांटे हैं बिहार के उन क्षेत्रों का नाम और उसके नीचे जो जिले हैं
वो देखेंगे। जिस तरीके से अंग प्रदेश जमुई, जमुई की सीटें चार विधानसभा की, तो एक एक सीट का ब्रेकअप आपके सामने होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मगध, भोजपुर, अरवल, अरवल की दो सीट, किसके खाते में कौन सी सीट जा रही है। तो दाई और बाई तरफ आप जिले के हिसाब से नंबर देख सकते हैं। ऊपर तो टोटल आंकड़ा आपको दिखेगा, दाई और बाई तरफ स्क्रीन में आपको दिखेगा जिले के हिसाब से आंकड़ा, और अब जरा नीचे बाई तरफ स्क्रीन में आपको दिखेगा जिले के हिसाब से आंकड़ा, और अब जरा नीचे की पट्टी की तरफ देखिए, नीचे की पट्टी में आप ब्रेकअप देखेंगे। यूपीए के दल, उनको किस तरीके से सीटों का ब्रेकअप जा रहा है, एनडीए के दल, उनके खाते में किस तरीके से सीटें जा रही हैं, क्योंकि अभी तक के एग्जिट पोल के आंकड़े जिस तरीके से बता रहे हैं कि साहब एनडीए में कमजोर कड़ी जेडीयू साबित होगी, नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा है, तो एनडीए को जो सीटें मिल रही होंगी उसमें जेडीयू की कितनी, बीजेपी की कितनी, हम की कितनी, वीआईपी की कितनी, इस तरीके से हमने ब्रेकअप किया है। और यूपीए का ब्रेकअप भी आप देख रहे हैं, आरजेडी को कितनी, कांग्रेस को कितनी, लेफ्ट को कितनी। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस जो है वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और लेफ्ट को 29 सीटें दी हैं। तो इस तरीके का ये पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और लेफ्ट को 29 सीटें दी हैं, तो इस तरीके का ये पूरा गणित, तो पूरी स्क्रीन आपने देख ली, इसी स्क्रीन पर आपको नजर बनाए रखना है। आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर से बता दूं, ऊपर की पट्टी में पूरी 243 की 243 सीटें, जादुई आंकड़ा 122 का है। आपको नजर ऊपर बनाकर रखना चाहिए इस बात को लेकर कि कौन एनडीए या फिर महागठबंधन, मतलब नीतीश प्लस या फिर तेजस्वी प्लस, कौन वो 122 का आंकड़ा पहले छुएगा, रेस लगेगी ऊपर के आंकड़ों में। और वहीं दूसरी तरफ किस रीजन में, उस रीजन के किस जिले में, किसके खाते में कौन सी सीट जा रही है, नीतीश मुंगेर की तीन सीटों में से कौन सी सीट कितनी सीट जीत रहे हैं, ऐसे ही तेजस्वी कौन सी सीट जीत रहे हैं, कितनी सीट जीत रहे हैं, ये पूरा आंकड़ा, पूरा गणित बिल्कुल सरल अंदाज में आप तक पहुंचेगा। और इसी तरीके से नीचे की पट्टी में वो एनडीए का ब्रेकअप, वो यूपीए का ब्रेकअप जो हम आप तक पहुंचाएंगे। एनडीए जिसमें मैंने आपको बताया बीजेपी, जेडीयू, हम, वीआईपी, यूपीए, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, तो इस तरीके का ये पूरा गणित नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ वो टोटल नंबर, पूरा नंबर चलता रहेगा। और स्क्रीन के दाएं और बाएं ओर रीजन के हिसाब से जिलावार असेंबली सीट के आंकड़े। फिलहाल एक बार फिर से जल्दी से आपको लेकर चलते हैं सुमित के पास। के साथ देखा समझा बहुत ही आसान तरीके से एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आप समझ पाएंगे तमाम नतीजे, पहले रुझान आएंगे और फिर नतीजों में वो तब्दील होंगे। लगातार स्क्रीन पर देखते रहिएगा, ये 0-0-0 जो दिख रहा है ये चेंज होता रहेगा ठीक 8 बजे के बाद से जब मतगणना शुरू होगी। ये आपने तमाम एक्सपर्ट की राय तो सुन ली जिन्होंने बिहार को बहुत करीब से जाना समझा।